देखिए, मुख्य रूप से जो प्रश्न हम करते हैं जिनके जवाब सरकार से मांगे जाते हैं वो तो हमने लगाए हैं, जो क्षेत्र से संबंधित है, प्रदेश से संबंधित है और आम जनता से संबंधित है। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ कि बजट चर्चा पर जब विधानसभा दोबारा चालू होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों की मांगों की बात हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे किसानों की समस्याओं की बात हो, चाहे संस्कारधानी जबलपुर के विकास की बात हो। लगातार झूठ इस सरकार ने बोला है और वही झूठे आंकड़े पर एक बार पुनः जनता को गुमराह करने के लिए बजट में डाले हैं। तो हम इनसे पूछने वाले हैं, आप जबलपुर रेल चलाने का आपने बजट में पुनः वादा किया है, आपने उसकी डीपीआर तक नहीं बनाई, आपने मार्ग तक तय नहीं किया कि कहां से कहां तक मेट्रो चलेगी, और आप जबलपुर संस्कारधानी की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं कि हम मेट्रो रेल चलाएंगे। आप एक फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे, दो दो तीन तीन मंत्री आपके आके जबलपुर में उसका उद्घाटन कर गए, आप एक फ्लाईओवर की नींव नहीं रख पा रहे, काम शुरू नहीं कर पा रहे, आप जबलपुर की जनता को मूर्ख बना रहे। आज भी माँ नर्मदा हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि माँ नर्मदा हमारे शहर के बीच में से बहती है, उसके बाद भी लोगों के कंठ सूखे हैं और उल्टा आप ये कह रहे हैं कि हम एक समय का पानी देंगे आने वाली गर्मियों में, ये चलेगा नहीं। बजट में आपने शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, कौन सा सरकारी स्कूल जबलपुर का एक ऐसा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से उसका विकास किया हो? गरीब बच्चे, छात्र छात्राएं जिन स्कूलों में पढ़ते हैं मजबूरी में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बड़े स्कूलों में जाने के, उनकी दुर्दशा देखिए। बार बार हम आपको इशारा करते हैं, बार बार आपको इन मांगों को लेकर बताते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा आप देखिए। आज हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार भी हो, बहुत महंगा हो गया इलाज, किसी के पास ये स्थिति नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करा ले। पर आपने मेडिकल कॉलेज की हालत क्या करके रखी है, अन्य जिला अस्पतालों की हालत क्या करके रखी है? कहने को तो आप हजारों करोड़ रुपए की बजट रखते हैं कि हम मुफ्त दवा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक भी व्यक्ति संस्कारधानी जबलपुर में ऐसा जिसको पेट दर्द की दवा भी मुफ्त मिली हो? इस बजट सत्र में जो बजट इनने पेश किया है इसके ऊपर हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और इनको बेनकाब करेंगे मध्य प्रदेश की जनता के सामने।